अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर अहमद हुसैन फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ एसएमबी कादरन पब्लिक स्कूल हायर सेकेंडरी सेक्शन। सो वंस अगेन वी आर बैक। जैसा कि हम अपने लेक्चर्स का सिलसिला हमने जारी रखा हुआ है इन अ सिमिलर फैशन, दिस इज़ अ सेकेंड पोएम ऑफ पोएट्री सेक्शन, दैट इज़ द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। सो टुडे वील डिस्कस दिस पोएम, पर्टिकुलरली दिस पोएम इज़ रिटन बाय थॉमस कॉम्पैन, और जो कि रिलीजियस पोएम्स उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी हैं, और उनमें से एक पोएम जो कि हमारे सेकंड ईयर की बुक का हिस्सा है, एंड टुडे वील डिस्कस दैट। पोएट का कहना है कि द मैन ऑफ लाइफ अपराइट हुज गिल्टलेस हार्ट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डीड्स और थॉट ऑफ वैनिटी। सो पहले तो जो टॉपिक है हमारा, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, और उसी ही नाम को पहली लाइन बनाया गया है, जो कि पहली लाइन हमारी इस पोएम की है, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, यानी वो शख्स जो कि ईमानदारी वाली ज़िंदगी बसर करता है, एक आइडियल ज़िंदगी बसर करता है। तो दरअसल थॉमस कैंपेन ने इस पोएम मुकम्मल पोएम के अंदर उस शख्स की ज़िंदगी बयान की है कि जो शख्स एक बाकिरदार है और उसकी ज़िंदगी एक आइडियल ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी के जो उसूल उसने बनाए हुए हैं उस पर वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और उसके नतीजे में कोई भी हालात पैदा हो जाएं वो उनको बखूबी और बहादुरी के साथ फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ओवरऑल द पोएट हैज़ मेंशन एन आइडियल लाइफ ऑफ दैट पर्सन, एंड ही कॉल्स दैट पर्सन द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। सो दैट्स वाई द पोएट सेज कि दिस person is his heart is free from all sort of complications, all sort of guilts। यकीनन ये जो शख्स होता है, इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को के अंदर एक किरदार अपना डेवलप करने के लिए, या अपनी ज़िंदगी को एक मयारी ज़िंदगी बनाने के लिए, सबसे पहले उसने अपने दिल के ऊपर काम किया है। अपने दिल को उसने उन तमाम बुराइयों और गिलाजतों और से महफूज रखा है और उसे साफ किया है, यानी उसका दिल हर गलत काम से पाक है, उसके दिल में किसी किस्म की बुराई पैदा नहीं होती। यकीनन इंसान है, इंसान के दिल में ख्यालात पैदा होते हैं, बुरे भी ख्यालात पैदा होते हैं, लेकिन उसने अपने दिल को के ऊपर इतनी मश्क की है, इतनी प्रैक्टिस उसको उसकी की है कि वो उन बुरे कामों से अपने आप को रोकने की बड़ी बेहतरीन सलाहियत रखता है। सो दैट्स व्हाई द मैन ऑफ अ लाइफ अपराइट, वो शख्स जो कि एक बाकिरदार और एक ईमानदार आदमी है, जिसका जिक्र पॉइंट ने यहाँ पर किया है, उस शख्स की पहली जो क्वालिटी है वो ये है कि उसका दिल जो है वो हर बुराई से पाक है। वो एक ईमानदार शख्स है, ईमानदारी वाली ज़िंदगी बसर करता है, अच्छे को सही को सही और गलत को गलत समझने की तमीज़ उसके अंदर है। मजीद ये कहते हैं कि उसका दिल जो पाक है फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डीड्स, जैसा कि हमने अभी इसकी इलैबोरेशन और इलस्ट्रेशन दी, और थॉट ऑफ वैनिटी, दो चीज़ों का जो पॉइंट ने जिक्र किया है यहाँ पर, एक तो उसने डिसऑनेस्ट डीड्स और दूसरा वैनिटी, दो बातों का यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन हुआ है पोएट की तरफ से। जैसा कि दिल के साफ होने का अमल हर बुराई से और दीगर तमाम चीज़ों से है, बट अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट आर द टू पॉइंट्स, व्हाट आर द टू एथिकल वैल्यूज दैट आर मेंशन बाय द पोएट आर डिसऑनेस्ट डीड्स एंड वैनिटी, कि उसका दिल जो है इन बेईमानी वाले तमाम आमाल से पाक है, उसके दिल में किसी किस्म की जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसका ख्याल उसकी पैदा नहीं होता, उन ख्यालात से वो अपने आप को पाक रखने की कोशिश करता है, और थॉट ऑफ वैनिटी, और उसका दिल गुरूर से पाक है, उसके दिल में किसी के लिए कोई गुरूर या तकबर नहीं है, उसका दिल उसके अंदर आजजी है, इनकिसारी है, ही इज हम्बल बाय हिज नेचर। सो इसी तरह से
अकॉर्डिंग टू पॉइट, वो शख्स जो एक ईमानदारी वाली ज़िंदगी और एक आइडियल ज़िंदगी, बाकिरदार ज़िंदगी बसर कर रहा है, वो शख्स अपने दिल को पाक रखता है तमाम बुराइयों से, गुरूर से, तकबर से। Now, after this first stanza, the poet says, "The man whose silent days in harmless joys are spent." यहाँ पे poet जो है उस शख्स की एक और quality बयान करने की कोशिश करता है। According to the poet, कि ये वो शख्स है कि जो अपने दिन, यहाँ पे उसने silent days का जिक्र किया है। Silent days यानी उसकी वो ज़िंदगी जो बड़ी सादगी के साथ, बग़ैर किसी को ज़रर पहुँचाए हुए, किसी को तकलीफ़ दिए हुए, अपनी खामोशी के साथ, अपने एक उसूल और कायदे और ज़ाब्तों के साथ एक ज़िंदगी बसर कर रहा है, जिसमें वो न किसी को तकलीफ़ पहुँचा रहा है, न ही उसकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ आ रही है। तो वो अपने जो ज़िंदगी के दिन हैं, वो जिस तरह से वो गुजार रहा है, इन हार्मलेस जॉयज़ आर स्पेंट। और उसके अलावा दूसरी बात कि वो अपनी खुशियाँ जो हैं उसकी, जब वो और उन खुशियों को भी इस तरह से इंजॉय कर रहा है, या उन खुशियों को भी इस तरह से बसर कर रहा है कि जिस तरह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, इन हार्मलेस जॉयस। तो यहाँ पे इन हार्मलेस जॉयस का जिक्र कि वो खुशियाँ उस शख्स की, उस बाकिरदार शख्स की, जिसके बारे में पॉइंट हमें बता रहा है कि वो शख्स जो कि एक आइडियल शख्स है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, वो अपनी जो ज़िंदगी है एक तो बहुत ही सादगी के साथ, बड़ी खामोशी के साथ बसर कर रहा होता है, और दूसरा ये कि वो अपनी खुशियों को भी इस तरह से इंजॉय करता है कि जिसके नतीजे में किसी और को कोई तकलीफ़ ना पहुंच सके। अब कॉमन सी मिसालें हम अक्सर देखा करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में, अगर आपने माशरे के अंदर हम निगाह डालें, तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम अपनी खुशियों को इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं कि जिसके नतीजे में यकीनन दूसरे लोगों को तकलीफ़ पहुंची हुई होती है। कभी अलल ऐलान हम उनको तकलीफ़ पहुंचा देते हैं, कभी हमें पता नहीं होता, हम उनको तकलीफ़ पहुंचा के चले जाते हैं। तो लिहाजा ये इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करते हुए अपनी जो है ज़िंदगी को बसर करता है। और फिर आगे ये पॉइंट कहता है कि होम होप्स कैन नॉट डिल्यूट नॉर सॉरो डिसकंटेंट। ये शख्स जो है, ये किसी के, ये जो उम्मीदें लगाए रखता है लोगों से, एक होता है ना इंसान दूसरों के साथ उम्मीद लगा के बैठता है, ये शख्स किसी से ऐसी उम्मीद ही नहीं लगाता, ये लोगों से किसी किस्म की तवक्का ही नहीं रखता। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये शख्स अपनी ज़िंदगी को अपने उसूलों और तवक्कात के, अपने उसूलों और ज़वाबित के तहत गुजार रहा होता है, और ये ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि अगरचे बिलफर्ज मुझे किसी वक्त पे किसी की ज़रूरत हुई तो मैं इस बंदे से इतनी तवक्का रखता हूँ, या जैसे हम भी अक्सर लोगों से तवक्कात रखते हैं बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज़ में, बहुत से ज़िंदगी के हालात में या ज़िंदगी के फेजेस में, तो हम लोगों से तवक्कात रखते हैं, फिर जब हमें वो उसका आउटपुट नहीं मिलता, जब लोगों की तवक्कात, लोग अपनी उस तवक्का पे नहीं पूरा उतरते, तो यकीनन फिर हमें दुख होता है और तकलीफ़ होती है। तो लिहाजा शायर यही कह रहा है कि होम होप्स कैन नॉट डिल्यूट, कि इसके जो उम्मीदें हैं वो उसको किसी किस्म का की गुमराही में उसको नहीं डालते, और ना ही उम्मीदें उसको जो है किसी किस्म की तकलीफ़ पहुंचाती हैं, या किसी किस्म की जो है प्रॉब्लम में, प्रॉब्लमेटिक उसको ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर कर देती हैं। मज़ीद कहते हैं नॉर सॉरो डिसकंटेंट, और ना ही कोई तकलीफ़ उसको, कोई दुख उसको तकलीफ़ पहुंचा सकता है, और यकीनन दुख कैसे उसको तकलीफ़ पहुंचाएगा। ये वो शख्स है जो अपनी ज़िंदगी को एक इस तरह से गुजार रहा है कि जिसने अब एक तो उस बंदे के अपना दिल साफ़ रखा हुआ है, उसके दिल में कोई गुरूर और तकबर नहीं है, और इवन के वो अपनी खुशियों को भी ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है कि जिसमें किसी को तकलीफ़ ना पहुँच सके। इस चीज़ का भी जो शख्स ख्याल रखे, तो क्या ख्याल है कि ऐसे शख्स को किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंच सकती है? यकीनन नहीं। सो लिहाजा होम होप्स कैन नॉट डिल्यूट नॉर सॉरो डिसकंटेंट, उसको उसकी जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें उसको कभी भी धोखा नहीं देती, और ना ही कोई दुख उसे तकलीफ पहुंचा सकता है।
So later on, the poet says that man needs neither towers nor armor for defense, nor secret walls to fly from thunder's violence. So my students, one thing should be kept in mind here, ke jaisa ke the poet is again and again elaborating the qualities of the man, an ideal person, that person who is honorable, who is honest, and who is the man who performs good deeds in his life. So aisa shakhs jiske dil ke upar baat ki pehle shayar ne ke uska dil kaisa hai, tamam buraiyon se paak hai, aur further poet ne uski mazid qualities ko define kiya aur ye kaha ke wo apni zindagi ko kis tarah se basar karta hai aur basar karte hue ke dusron ki ka khayal kaise rakhta hai, unko apni zaat se takleef na pahunche, ye uski zindagi ki tarjeeh hoti hai. To aisa shakhs yaqinan us shakhs ki zindagi ke nataij kya niklenge, yaqinan wahi honge ke uska koi dushman nahi hoga. He will not have any enemy. All will be his friends. All will be his well wishers. Uske khair khwa honge, uske dost honge log. Aur yaqinan jo shakhs apni zaat se dusron ko rahat pahunchata hai, to Allah pak bhi usko uska natija aur uska output waise hi deta hai. To is cheez ki akasi karte hue the poet has explained in the poem, but says that the man needs neither towers nor armor for defense. कि फिर ऐसे शख्स को उन ऊंची इमारतों की जरूरत नहीं. यहाँ पे ये टावर्स जो है एक जस्ट उन्होंने एक इश्तियारा दिया है, तशबी दी है कि उस शख्स को बड़े बड़े महलात, उन महलात में मजबूत सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, उसको बड़े बड़े किलों की जरूरत नहीं है कि जिसके अंदर वो अपने आप को महफूज कर सके, क्योंकि वो शख्स एक आम शख्स है, एक अपनी सादा ज़िंदगी बसर करता है. तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी के अंदर भी बड़ी सादगी पाई जाती है और वो बहुत ही आज़ादाना, इंडिपेंडेंट तरीके से बग़ैर किसी खौफ व ख़तर अपनी ज़िंदगी को बसर करता है. लिहाजा ही नीड्स नीदर टावर्स, बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर या बड़े बड़े किले और महलात बनाकर उसमें सिक्योरिटी को इंश्योर करके उसको रहने की ज़रूरत नहीं है. नॉर आर्मर फॉर डिफेंस. आर्मर ज़रा को कहा जाता है, जैसे अक्सर पहले एक तरीक़ाकार हुआ करता था, जंगों में जो है ज़रा पहनी जाती थी और घोड़ों के ज़रिए से जब जंगें लड़ी जाती थी तो वो ज़रा आपको एक ढाल आपके लिए बनती थी, उस जंग के अंदर दुश्मन के हमले के ख़िलाफ़ जो है वो एक ढाल बन के खड़ी हो जाती थी, तो वो आपकी हिफाज़त करती थी. It defend you. It defended the one who fights in the war. तो जब जंगों में ये इंसान उस वक्त जंगजू जब लड़ा करते थे तो वो ज़रा पहनते थे और अपनी हिफाजत उसके ज़रिए से किया करते थे. तो इसलिए ये शायर कहता है कि this person nor does not need any sort of armor for his defense. उसको अपने ऊपर जो है अपनी आउटर कवरिंग या ऐसी कोई हिफाजत की या ऐसे हिसार की ज़रूरत नहीं है कि जिसके ज़रिए से वो अपने आप को महफूज करे, क्योंकि वो शख्स एक बेज़रर शख्स है. जो शख्स दूसरों की राहत का ज़रिया बने, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो उस शख्स की के लिए जो है दुनिया मुखालिफ हो जाए उसके लिए, या उसके दुश्मन बढ़ जाए. ऐसे लोगों की हिफाजत उसका रब करता है, ऐसे लोगों की हिफाजत उसका परवरदिगार खुद करता है. तो लिहाजा तो ऐसी इमारतें, ऐसे आर्मर्स ज़रा उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी को बड़ी ही आज़ादाना तरीके से बसर करता है. नो सीक्रेट वॉल्स टू फ्लाई फ्रॉम थंडर्स वायलेंस. यहाँ पे थंडर्स वायलेंस का जिक्र करते हुए पॉइंट ने बताया, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए. सीक्रेट वॉल्स कहा जाता है कि नीचे जो तहखाने होते हैं, एक जिनका अमूमी तौर पे अंदाज़ा पता नहीं होता कि ज़मीन के नीचे भी कोई ग्राउंड है, कोई जगह है हिफाजत की या रहने की, जिसमें लोग अपने आप को महफूज रखते हैं. और अक्सर जो है जिनको दुश्मन से ख़तरा ज़्यादा होता है या जो दुश्मनी जिनकी ज़्यादा होती है, तो वो अक्सर इस तरह के सेलर्स में या इस तरह के तहखानों में अपने आप को महफूज करते हैं, या ऐसी जगहें कि जो अमूमी तौर पे बनाई जाती हैं
कि जिसका आम लोगों को अक्सर आम लोग उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे कोई रहने की जगह है भी या नहीं। तो यहाँ पे शायर कहता है कि ऐसे शख्स को इस तरह के तहखानों की, सीक्रेट सेलर्स की ज़रूरत नहीं है टू फ्लाई फ्रॉम थंडर्स वायलेंट। थंडर तो वैसे तूफ़ान को कहा जाता है, तो यहाँ पे तूफ़ान जो है बेसिकली वो उस दुश्मन का हमला है या उस दुश्मन की तरफ से कोई नुकसान जो पहुँचेगा उसे, क्योंकि वो शख्स है ही नहीं ऐसा, तो उसके दुश्मन ही नहीं है, उसके हर जगह वेल विशर और दोस्त मिलेंगे। तो ऐसे शख्स को उन तहखानों की ज़रूरत नहीं कि वो अपने दुश्मन के हमले से अपने आप को बचा सके या उस खौफ से अपने आप को महफूज कर सके, बिकॉज वो तो हर खौफ से आज़ाद है, बेखौफ इंसान है। और ऐसे शख्स की क्वालिटीज़ बार बार अब अगली हमारी इस पोएम की चौथी स्टैंजा में भी पोएट समझाने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली इसके नतीजे में क्या होता है? पोएट सेज ही ओनली कैन बिहोल्ड, ही ओनली कैन बिहोल्ड with unaffrighted eyes the horrors of the deep and the terrors of the sky. So बहुत ही गहरी बात और बहुत ही एक मायने खैज बात कि ऐसा शख्स जिसकी क्वालिटीज़ अभी पोइट ने गिनवाई, अपने दिल को साफ रखना, अपने दिल को गुरूर से पाक रखना, आजजी और इनके सारी के साथ ज़िंदगी को बसर करना, कोई बेईमानी वाले ख्यालात अपने दिल में ना लाना, हमेशा ईमानदारी और उसूलों के साथ ज़िंदगी को बसर करना, और ये एक आइडियल ज़िंदगी है। नो डाउट हर इंसान इस आइडियल ज़िंदगी को बसर करे, ये उसकी इस दुनिया में कामयाबी का ज़रिया है। और साथ ही साथ ऐसा शख्स जो अपनी ज़िंदगी को ऐसे बसर करता है कि जिसकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, वो अपनी ज़ात से दूसरों को सिर्फ़ और सिर्फ राहत पहुँचाता है, ऐसा शख्स, तो उस शख्स को अल्टीमेटली ना तो अपने आप को बचाने की ज़रूरत है क्योंकि उसके हर जगह आपको दोस्त और हर जगह आपको उसके खैरख्वाह और उसके मुखलिस मिलेंगे। यू विल फाइंड वेल विशर्स एवरी डे एवरीवेयर। अल्टीमेटली ही कैन बिहोल्ड, वो देख सकेगा, बिहोल्ड यानी देखने को कह रहे हैं आप, तो इसका मतलब कि वो देखेगा विथ अनफ्राइटेड आइज, बेखौफ व ख़तर आँखों के साथ। यहाँ पे ये एक मिसाल दी जा रही है कि वो हर मुश्किल को अकेला और तन्हा फेस करने की सलाहियत रखता है, फेस करने की ताकत रखता है, अगरचे कोई भी आसमान से, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, द ऑरर्स ऑफ द डीप एंड द टेरर्स ऑफ द स्काई। अगरचे डीप यहाँ पे आप ज़मीन की गहराई समझ लें, समंदर समझ लें, यानी ज़मीन में उठी हुई कोई भी आफत या कोई भी ऐसी तकलीफ़ या ऐसी भी कोई जो है नागहानी सूरत हाल पैदा हो जाती है, यकीनन बाज़ औक़ात जलजले आ जाते हैं, बाज़ औक़ात और जो है फ्लड्स आ जाते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, भूख की जो है ना आलम दुनिया के अंदर तारी हो जाता है, बीमारी और वबाएँ फैल जाती हैं, जैसे कि आजकल इस दुनिया के अंदर हालात पैदा हो चुके हैं। तो ऐसे हालात में इस तरह के शख्स जो हैं वो बेखौफ ख़तर उन हालात का मुकाबला भी करना जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन तक वो जो हालात हैं वो कभी भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए नहीं पहुंच सकते क्योंकि उसने कभी अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं दी। तो जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट, जैसा कि एक मुहावरा है कि जो इंसान अच्छा करता है तो उसके लिए नतीजा भी अच्छा ही होता है। तो अल्टीमेटली चाहे ज़मीन के अंदर से आफतें आएँ या ज़मीन पर नागहानी सूरतें पैदा हो जाएँ, और या फिर आसमान से कोई ऐसे आफात उतरें, तो इन ऑल सरकमस्टेंसेस ऐसे तूफ़ान आ जाएँ आसमान से, जैसा कि इसको अगर हम इश्तियारी की सूरत में या कंपेयर करेंगे तो आसमान से अगर तूफ़ान भी आते हैं तो ऐसी दागानी सूरत हाल भी पैदा हो जाती है, तो इन तमाम सूरत हाल के अंदर ये इंसान डटा हुआ नज़र आएगा। और वो क्यों? क्योंकि वो चीज़ें, वो हालात उसको एक तो अपनी वो जो दिल की जो ताकत है वो उसे मजबूत करती है इन हालात को फेस करने में। सेकंड थिंग इज़ दैट कि वो चीज़ें अल्टीमेटली किसी न किसी तरह से उसको तकलीफ़ और नहीं पहुँचा सकती। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि एज़ यू सो सोशल यू रीप, अगर आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छा ही पाएंगे, और आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो कुदरत भी आपको उन तमाम हालात से महफूज रखेगी।
So this was all about the fourth stanza. So my students, in this second last stanza of the poem, the poet says that thus scorning all the cares the fact or fortune brings, he makes the heaven his book, his wisdom heavenly things. So now, one thing should be kept in mind while explaining or while comprehending this stanza, कि यहाँ पर पॉइंट जो है उस शख्स के बारे में जिक्र कर रहा है जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी को एक खुद डायरेक्शन दिया है और वो डायरेक्शन दिया है अपने एक उसूल और जवाबित सेट करके. ही सेट द रूल्स ऑफ हिज लाइफ, ही हैज़ डिक्लेयर्ड दैट द लाइफ शुड बी स्पेंड एंड शुड बी अवेल्ड with some sort of principles, and the principles of like honesty, like the good, the well-wisher for others, and to work for the cause of betterness for others. So these are some sort of principles that are declared by the person who is the man of life upright according to the poet. So aisa shakhs jo hai वो फैट और फॉर्चून, किस्मत हो या उसकी तकदीर हो, जो भी उसकी तकदीर या किस्मत ले आएगी वो उसको नज़रअंदाज करता है, उसके ऊपर वो इतनी तवज्जो नहीं देता, उसके हवाले से वो इतना सोचता नहीं है. रीज़न इज़ दैट कि जैसा कि मैंने अभी बताया, एज आई हैव ऑलरेडी राइट नाउ मेंशन, कि वो शख्स अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए ऑलरेडी प्रिंसिपल सेट कर चुका है. सो ही जनरली नोज एंड ही डेफिनेटली एंड श्योरली नोज के तकदीर भी उसे वही चीज़ देगी, तकदीर में भी उसको वही आउटपुट मिलेगा यकीनन जो अच्छा होगा, क्योंकि इसने दूसरों के लिए अच्छाई सोची हुई है, अपने दिल को गुरूर से पाक रखा हुआ है, अपने दिल को बेईमानी से पाक रखा हुआ है, अपने दिल को साफ रखा हुआ है. तो यकीनन तकदीर भी या किस्मत भी इसके लिए अच्छा ही रिजल्ट देगी. दैट्स व्हाई ही डजंट केयर अबाउट दैट, उसको उसकी परवाह नहीं होती, बिकॉज ही नोज दैट अल्टीमेटली द रिजल्ट विल बी इन माई फेवर. सो फर्दर मोर पोएट सेज ही मेक्स द हैवन हिज बुक हिज विजडम हैवनली थिंग्स, इसलिए ये शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए, यानी ऐसी परेशानियों या ऐसे हालात में जब इंसान की ज़िंदगी के ऐसे हालात से इंसान गुज़रता है, तो वो उस वक्त जो कुदरत ने बनाए हुए कानून, जो फितरी कानून इस माशरे की, इस दुनिया की अच्छाई फलाह और बहबूद के लिए सेट किए हुए हैं, वो उन कानून कवानीन और उन प्रिंसिपल्स और उन उसूलों को अपने जो है अपने लिए एक रोल मॉडल बनाता है. एंड हिज विजडम हैवनली थिंग्स, और अपने जहानत को अपने ज़िंदगी के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है, अपनी जो उसकी जो तजर्बात हैं या जो उसके जो मुशाहदे हैं, उन मुशाहदों को उन उसूलों के तहत बेहतर बनाता है, मजबूत करता है और मज़ीद उसके अंदर निखार लाता है. तो अल्टीमेटली उसकी जो जहानत है, उसकी जो सोच है, उसके जो परखने का, दुनिया को एनालाइज करने का जो अंदाज है, वो भी उस फितरी बनता जाता है, फितरत के तहत होता है, फितरत के उसूलों के तहत होता जाता है. तो लिहाजा इस सेकंड लास्ट स्टैंजा के अंदर इसको ज़रा अगर गहराई के साथ बियॉन्ड द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखा जाए, तो द पॉइंट जस्ट वॉन्ट टू इलेबोरेट दैट सच पर्सन डजंट केयर अबाउट द आउटपुट्स ऑफ हिज डीड्स, बिकॉज श्योरली ही नोज दैट आई एम डूइंग गुड एंड आई एम वर्किंग फॉर द बेटरमेंट एंड द प्रोग्रेस फॉर ऑफ अदर्स एंड द डिवेलपमेंट फॉर अदर्स. सो अल्टीमेटली ही नोज दैट द फॉर्चून और द डेस्टिनी और द फैट वट एवर ब्रिंग्स इट विल बी इन हिज ऑन फेवर दैट. एंड फर्दर मोर ही यूज टू follow the instructions that are the rules set by the Almighty, that are the rules set by
actuality. So that's why he possesses his life, he avails his life in a very better way, in a very progressive way. So now, in the last stanza, poet explains that good thoughts, his only friends, his wealth, a well-spent age. So my students, यहाँ पर एक और बात जो है मज़ीद हमें क्लियर करने की ज़रूरत है कि ऐसे शख्स जिसकी क्वालिटीज़ बताई गई, तो अब वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बसर करता है, इसके हवाले से भी कुछ पर्टिकुलर करके पॉइंट ने बताया कि अच्छे ख्यालात ही उसके दोस्त हैं। हम ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर हम नो डाउट हम इंसान के दुनिया के अंदर इंसानों लोगों को अच्छे दोस्त भी मिलते हैं और खैरख्वाह भी मिलते हैं, मगर ये शख्स जो है इसने अपने दोस्त अपने अच्छे ख्यालात को बनाया हुआ है। हमेशा मुस्बत सोचना, किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी के लिए भला सोचना, ये उसका दोस्त है। यानी कि वो हमेशा अपने आप को इन दोस्तों के मशवरे पे अपनी ज़िंदगी को अवेल करने पे मजबूर करता है, या वो एक प्रैक्टिस करता है। यानी ये इसके दोस्त हैं, अच्छे ख्यालात इसके दोस्त हैं, अच्छी सोच एक अच्छे दोस्त की जो है अलामत है। एक अच्छे दूसरों की भलाई करना, ये भी एक दोस्ती की एक बेहतरीन आला मिसाल है कि हम किसी के लिए अगर किसी की के लिए काम आ सकें, तो इससे ज़्यादा एक अच्छी सोच का दोस्त होना इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो लिहाजा तो ये अच्छे ख्यालात इसके दोस्त हैं, हिज वेल्थ अ वेल स्पेंड एज, इसकी दौलत क्या है, हम लोग ये समझते हैं इसकी दौलत ये समझते हैं कि अच्छी ज़िंदगी जो मैंने बसर की है वो मेरी एक दौलत है। अक्सर दुनिया के अंदर हम ये सोचते हैं कि हमारी दौलत हमारे प्रेस्टिजेस हैं, हमारी दौलत जो है हमारे वो अचीवमेंट्स हैं। नो डाउट दुनिया की भी एक आर्जी दुनिया के अंदर आर्जी अचीवमेंट्स भी हमने हासिल करनी होती हैं, बट एट द सेम टाइम जो असल दौलत है इंसान की वो उसकी रिस्पेक्ट है। इंसान अगर माशरे के अंदर इज़्ज़त कमा लेता है तो सबसे बड़ी दौलत ये है, और वो इज़्ज़त तब हासिल होती है जब इंसान उसूलों के तहत ईमानदारी के साथ ज़िंदगी बसर करता है। फर्दरमोर इंसान की ज़िंदगी के अंदर कामयाबी ये है कि वो अपने रिश्तों के अंदर मोहब्बत को कायम रख सके, और यकीनन इससे ज़्यादा बड़ी कामयाबी नहीं कि आप अपने रिश्तों के अंदर मोहब्बत को बरकरार रख सके। तो ये एक बड़ी कामयाबी है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कमाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इज़्ज़त है, मोहब्बत है, और इसके अलावा जो है इंसान का दूसरे के लिए खैरख्वाह होना, ये तमाम वो आउटपुट्स हैं जिनके नतीजे में इंसान की ज़िंदगी के वाकईतन सही तरीके से सही मायनों में एक दौलत समझा जाता है। द अर्थ इज़ सोबर इन, उस शख्स के लिए ये ज़मीन ये दुनिया जो है एक मुख्तसर सी क़यामगाह है, और नो डाउट कि इंसान जो है इस दुनिया के अंदर आया है और मुख्तसर लम्हे के बाद मुख्तसर अरसे के बाद वो चला जाएगा, तो क्यों ना वो इस मुख्तसर अरसे के अंदर बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी सादगी के साथ, और दिल को साफ़ रखते हुए, दूसरों की भलाई सोचते हुए, और अच्छी ज़िंदगी कमा कर जाए। और जैसा कि अच्छी ज़िंदगी क्या है कि इज़्ज़त कमाना, शोहरत और उसके अलावा मोहब्बत रिश्तों के अंदर कमाना, ये बहुत दिली सुकून हासिल करना, ये बहुत बड़ी दौलत है ज़िंदगी की। कि इंसान बेशक आला दर्जे के महलात में बैठा हो, हर ज़िंदगी की उसको आसाइश महसूस मैसर हो, बट उसको कल्बी सुकून, दिली सुकून और ज़हनी सुकून नहीं हो तो वो उसके काम नहीं आ सकते। तो ये वो दौलत है ज़िंदगी की जो इंसान बसर कर रहा है, तो वो अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया को भी एक मुख्तसर क़यामगाह समझता है, एंड क्वाइट पिलग्रिमेज, और एक खामोश ऐसा सफ़र जो जिस तरह से मजहबी मुख्तलिफ मजाहिब के अंदर एक सफ़र होता है, जैसे कि अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के अंदर भी एक सफ़र है जिसको हज कहा जाता है। इंसान एक मुख्तसर वक्फ़े के अरसे के लिए उस अरसे को गुजारता है, उस हज का अमल से गुज़रता है, जिसके अंदर वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ मुस्बत ख्यालात के साथ अपने परवरदिगार और मालिक का की याद में और दूसरों की भलाई करते हुए, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाते हुए, उस सफ़र को और उन तमाम जो अहकाम हैं उनको उनकी बजावरी कर रहा होता है। तो अल्टीमेटली ये ज़िंदगी भी हमारे लिए वैसे ही बन जाए कि हम एक मुख्तसर अरसे के लिए यहाँ पे आए हैं,
और अच्छाई के साथ और बहुत ही अपनी ज़ात को दूसरों के लिए रोल मॉडल बनाते हुए हम ज़िंदगी को गुजारें. सो माई स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट. सो जनरली एज फार एज द कॉम्प्रीहेंशन इज़ कंसर्न, कि अक्सर जो है आपसे बोर्ड जो आपके एनुअल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरली सबसे ज़्यादा एक तो कि भाई इस पोएम का मैसेज या इसका सेंट्रल आइडिया, तो ये तो लाजमन हमने कंपोज करना होता है. तो ऑब्वियसली इसका जो सेंट्रल आइडिया है कि भाई द पोएट हैज़ एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ द मैन, द पर्सन हु इज़ स्पेंडिंग हिज लाइफ विथ ऑनेस्टी, विथ गुड थाट्स एंड गुड जो है डीड्स. तो ये तमाम चीज़ें, उसकी क्वालिटीज़ जो हमें अपनी एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस में जो हमारे रिक्वायर्ड होते हैं, उसके अंदर हम उसका सेंट्रल आइडिया दे देंगे कि उस शख्स की क्वालिटीज़ बताई गई हैं. और अक्सर एक और सवाल भी किया जाता है कि डिफाइन एनी टू और थ्री क्वालिटीज़ ऑफ द मैन ऑफ लाइफ अपराइट अकॉर्डिंग टू द पोएट. तो ये भी एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है. तो जैसा कि हमने इसमें तीन से ज़्यादा बल्कि 8-10-12 जो है हमने क्वालिटीज़ उस शख्स की यहाँ पे पढ़ी हैं, और वो क्वालिटीज़ हमने जो इस इंसान की पढ़ी हैं यहाँ पर, तो उनमें से आप कोई भी तीन क्वालिटीज़ के उसके ख्यालात कैसे हैं, उसका दिल कैसा है, वो कैसे सोचता है, लोगों की भलाई के लिए वो कैसे काम करता है, या उस वो शख्स अपनी ज़िंदगी बसर कैसे करता है. सो दिस ऑल आर अबाउट द पोएम and some sort of comprehension and question answers that are frequently asked in this poem. So hope for the best and wish you all the best of luck, my students. Thank you.